बागमारा के बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 5 की बस्ती में भूधसान की घटना हुई है। जमीन धंसने से एक बाइक वहां जमीन दोज हो गई। घटना में लोग बाल बाल बच गए। भूधसान से उस क्षेत्र की 2000 की आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले साल वहीं पर मस्जिद जमीन दोज हुई थी। भूधसान से लोगों में भय और आक्रोश है। उन्होंने आउटसोर्सिंग और बीसीसीएल कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन ने घटना के बाद उनकी कोई सुध नहीं ली। रात में अचानक से आवाज़ आया ब्लास्टिंग का, तो हम लोग को तो खैर आदत है, हम लोग को तो लगा किसी का फैमिली चला गया जमीन के अंदर। सुबह उठ के देख रहे हैं तो एक तो घर धस गया है पूरा, और उसके अंदर में बाइक रखा हुआ था वो भी धस गया है। तो जब से ऐसा हुआ है ना बीसीसीएल का जीएम, ना एजेंट, ना कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया। कि ब्लास्टिंग किस कंपनी का हो रही है? हिल टॉप कंपनी जो यहाँ चल रहा है 22/12 आउटसोर्सिंग में, उसी का ब्लास्टिंग हो रहा है यहाँ पर। और पूरा पूरी मनमाने तरीके से काम चल रहा है। ना डीजीएमएस का एक भी रूल को फॉलो किया जा रहा है, ना ही सेफ्टी गाइडलाइन का किसी भी रूल को पालन किया जा रहा है। बस किसी तरह से पैसा कमाना है, काम करना और निकल जाना है। बाकी आदमी लोग यहाँ मर जाए उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं। कितने घरों में दरार भी आई है ना? लगभग सारे घर में दरार है। एक भी घर आप दिखा दीजिए जिसमें दरार नहीं है। किसके कारण दरार हुई? ब्लास्टिंग के कारण दरार हो रहा है। हैवी ब्लास्टिंग होता है। अभी आप दुगड़िया जगदम्बा देवी माता के आश्रम से अलवर से, माता देवी आश्रम निवड़ी राजस्थान अलवर से भक्त मुकेश कुमार शर्मा साइकिल से गंगा सागर की यात्रा पर निकले हैं। और निरसा से गुजरते वक्त भक्त मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि जगदम्बा माता और श्री ठाकुर जी महाराज को गंगा सागर में स्नान कराने के उद्देश्य से साइकिल से राजस्थान के अलवर से चले हैं और माता जगदम्बा और ठाकुर जी को गंगा सागर में स्नान कराने के पश्चात पुनः इसी सड़क मार्ग से वापस अलवर राजस्थान लौटेंगे। मैं अलवर राजस्थान थानागाजी से चला हूँ, माँ जगदम्बा के आश्रम से, दोगड़िया माता के आश्रम से जो नेमड़ी थानागाजी में स्थित है। अभी गंगा सागर जब जा रहे हैं, क्या उद्देश्य मन में? मेरा उद्देश्य यह है कि मैं ठाकुर जी महाराज व जगदम्बा माता का शाही स्नान करा करके वापस मैं इसी मार्ग से लौटता हुआ मैं यथा स्थान माँ को जहाँ से लेकर। निरसा चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार द्वारा 2% बाजार शुल्क लगाने का विरोध किया है। निरसा स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव शिव कुमार अग्रवाल ने की। शिव कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकार बाजार शुल्क लगाकर और अधिक बोझ डालने का प्रयास कर रही है। इस शुल्क के लगने से दुकानदार और ग्राहक दोनों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार ने जो 2% बाजार समिति फिर से लगाने का जो निर्णय ले लिया है, और परसों मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है, इसी के विरोध में हम लोगों ने आज ये मीटिंग रखी है, प्रेस वार्ता रखी है। और आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो अवांछित कर सरकार ने लगाया है, इसे हम लोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जिस भी स्तर का आंदोलन करना होगा, राज्य स्तर का आंदोलन करना पड़े या किसी भी स्तर का आंदोलन करना पड़े, तो हम लोग उसके लिए तत्पर हैं। जैसा हम लोग को जिला से और राज्य से निर्देश आएगा, हम लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे। देशभर में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। निरसा के ताल डांगा लोयला स्कूल स्थित होली फैमिली चर्च में यीशु के जन्म दिवस के अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मसीही विश्वासी शामिल हुए। चर्च के फादर आमातोष कुजुर द्वारा सभी को यीशु के संदेश सुनाए गए, साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। जन्म पर्व एक बहुत प्यार का पर्व है। प्यार का पर्व इसलिए, ये व्यक्ति का प्यार का, परिवार के प्यार का, समाज के प्यार का, यू नो, प्यार का पर्व इसलिए क्योंकि पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में भेजा प्यार के रूप में, जिससे कि सबके साथ वो ईश्वर का प्यार बांट सके। और ये प्यार बांटना मतलब जहाँ प्यार है वहाँ मेल मिलाप, एकता, भाईचारा रहेगा ना, वही चीज़ ईश्वर चाहते हैं।
प्रभु का जन्म यही चाहता है कि सब लोग मिलजुल कर, सब धर्म के लोग, कोई भी जाति का हो, सब मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, ईश्वर की यही इच्छा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस साथ तुलसी जयंती और बड़ा दिन के मौके पर बागमारा में स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समर्पण एक नेक पहल सामाजिक संस्था और कृष्णा मातृ सदन की ओर से शिविर लगाया गया। इस मौके पर टुंडी विधायक मथुरा महतो ने केक काटकर उद्घाटन किया। मौके पर पूर्व वियाडा अध्यक्ष विजय झा सहित कई प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहे। इस शिविर में आसपास के कई लोगों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ लिया। वही दर्जनों युवाओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। साथ ही साथ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने BHU की स्थापना की, उनका भी जन्मदिन है और तुलसी जयंती भी है और एक्समस भी है, बड़ा दिन भी है, मतलब त्यौहार भी है और महापुरुषों की जयंती भी है। इससे बढ़िया शुभ दिन तो हो ही नहीं सकता था। जब दो दो महापुरुषों के जन्मदिन हो, तुलसी जयंती हो, एक्समस का त्यौहार हो, जो दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है, इसी के अवसर पर समर्पण एक नेक पहल और श्री कृष्णा मातृ सदन कतरास के सौजन्य से ब्लड कैंप और हेल्थ कैंप दोनों का आयोजन किया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस कैंप का लाभ उठा।